भाजपा के अनभक्तों को किसको बोलेंगे? अच्छा, वो भूखना नहीं छोड़ते, ये हमें सिर्फ खत्म कर सक खत्म करके ही मेरी आवाज बंद कर सकते हैं। गुजरात में पहला सोही बजंगल वाले देख रहे हैं। देश में कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं है, मोदी सरकार चोर है, जितनी आप पुलिस है वो चोर। मैं जा रहता हूँ वहाँ आरएसएस की शाखा चलती है। हम मोदी काल की तुलना मालूम रावण लाल से करते हैं। भाजपा 2024 में आती है तो समझ देना कि संविधान को जला दिया गया है और देश गुलामी में आ गया है। पूरे देश में पठान का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है और खबर यह है कि देश में तो विरोध है लेकिन विदेशों में पठान ने डंका बजा दिया है। कुछ लोग पठान को लेकर बवाल खड़ा कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि भगवा से बहुत लोग आहत हो गए हैं। लेकिन हमारे साथ बाल योगी जी मौजूद हैं, आप इन्हें पहचानते होंगे, इनकी तारीफ की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि ये अब पूरे देश दुनिया में वायरल हो चुके हैं। लेकिन ये ऐसा शख्स है जो पठान का विरोध नहीं करता है। बाल योगी जी, आप भगवा वस्त्र में हैं फिर भी पठान का विरोध नहीं कर रहे हैं? नहीं करते। क्यों? इससे पहले भी हमको बहुत विरोध करने चाहिए थे, फिर हमको मार के बैठा दिया गया। किसने मारा? मनोज तिवारी ने। क्या कहा? जब वो डिंके के वो वाला गाना गाया था चमक चमक चम वाला, हमने विरोध किया था। भाजपा वाले कहे चुप रहो नहीं जान से मार देंगे। विरोध किया था आपने? हाँ। सिर्फ बोल रहे हैं। निरहुआ ने भी हमको फिर धमकी दी कि ये मुद्दा लेके आओगे जान से मार देंगे। नहीं, आप अभी हाल ही में सक्रिय ज्यादा हुए हैं बीजेपी के खिलाफ आग उगलते हैं। तो हम क्या पंडित, आप पैदा हुए था पंडित थे कि अभी पैदा? आपको होश कब आया, कब होश आया कि बीजेपी के खिलाफ जाएंगे आप? बीजेपी खिलाफ हम नहीं, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। क्या नीतियां हैं? क्या नीतियां क्या है? 15 लाख मिल गया क्या आपको? नीति थोड़ी है वो, तो जुमला है। जुमला था? हाँ। किसने कहा था? सरकार ने कहा। सरकार में कौन है? बहुत सारे लोग। मोदी का नाम लेने में बहुत डरते हो, पत्रकार हमारे मोदी जी के नाम लेने में। नहीं, हम क्यों डरते हैं? डरते आप? अरे मगर ये सब इतने सच्चे होते तो मोदी जी के भी आज बच्चे होते। छोड़ते बोलो, कौन लोग? यही भाजपा वाले। पठान को लेकर क्यों विरोध हो रहा है? पठान को लेकर पगलाए हुए हैं। देखो, एक गैर हिंदू धर्म में तो वो गैर बिरादरी ही माना जाएगा, एक गैर बिरादरी ने भगवा का सम्मान किया उस गाने में, भगवा को नहीं पहना। भगवा को सम्मान किया? कहाँ पहना उसने भगवा? भगवा पहना? दीपिका ने पहना ना? भगवा पहना था कि नहीं? भगवा पहना था कि नहीं? मनोज तिवारी ने पहना है कि नहीं? अरे दीपिका ने पहना। मनोज तिवारी कौन है? कौन है बताओ, कौन है बताओ? अरे छोड़िए, अभी करंट की बात है। करंट की क्या मतलब है? मैं पूछना छोड़ दोगे? अरे आप करंट की बात, आपका कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता नहीं नहीं, 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 ये ना चल। 21वीं सदी का भारत है क्या? तो पहले क्या था वो? 5वीं सदी का भारत। छोड़िए, 2014 से पहले छोड़िए। क्या कंगना राउत की तरह आजादी आपको अभी मिली है क्या? आप बताइए, आप आजादी आपको कब मिली? कब आजादी? हमें तो 1947 से मिली थी। आपको आजादी कब मिली? हमें 1947 से मिली थी। आजाद है देश ना, मानते हैं ना? क्यों, अटल बिहारी वाजपेयी जी गुलाम देश के प्रधानमंत्री थे क्या? नहीं नहीं, आप बताइए, देश तो विकास कर रहा है। कौन विकास? विकास की गंगा बह रही है, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो गई है, किसानों की आय दुगनी हो गई, बुलेट ट्रेन चल रही, क्या चाहिए आपको? अगर आंकड़े के हिसाब से नहीं हुई तो पत्रकार करना छोड़ोगे? कौन से आंकड़े? ये नीति आयोग के आंकड़े हैं। कौन नीति आयोग? नीति आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसमें जाके देखो। गृह मंत्रालय रिपोर्ट जारी किया नीति आयोग ने कि हर दिन 3 दिहाड़ी मजदूर मरने को मजबूर है, समझ रहे हैं आप? बेरोजगारी स्तर सबसे लंबा स्तर है देश के, आजादी के बाद सबसे लंबा स्तर पर बेरोजगारी दर चल रही है। महंगाई का देख लीजिए। अरे बेरोजगारी खत्म, 16 करोड़ का रोजगार दे दिया 8 साल में। अच्छा, 16 करोड़ का रोजगार दे दिया गया। माँ बिल्कुल सही बात है, तलवार लो हिंदू। आप लोग फक्र करिए लेकिन भगवा वस्त्र में आप एजेंडा चलाते हैं मोदी के खिलाफ। कौन आप? जो आरोप है, जो बड़ा पाव तलवार लेके दिखाते हैं, हम तलवार थोड़ी दिखाते हैं, बड़ा पाव दिखाते। नाम लीजिए, नाम लीजिए। सुरेश चौहान। सुरेश चौहान के ऊपर पूरा देश गर्व कर रहा है, कह रहे हैं सुरेश चौहान के आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ। सुरेश चौहान ने पूरा देश थूक रहा है। अरे ट्विटर पर अभी भी ट्रेंड चल रहा है, 4000 लोगों ने उनका उनके भक्तों ने, 1 लाख लोगों ने। कौन? 1 लाख? 1 लाख लोगों ने। आपको बता दे हमारी वीडियो करोड़ों में जाती है, सुरेंद्र से कह दीजिएगा एक इंटरव्यू करवा ले नरेंद्र मोदी सामने बैठा के, अरबों में जाएगी, कमा लेंगे, बोल देना जाके। आपको धमकी मिलती है? किसको? आपको? हाँ धमकी मिलती है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि शांत हो जाओ नहीं मार देंगे। हमने हम तो साफ कहते, कुत्तों को भोंकने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल कांड में कहावत है, हाथी चलता है और कुत्ता भोंकता है। अगर कुत्ते को बोलना आता तो मुझे जरूर एक बात पूछते कि भाई भोंकता क्यों है? इसी कुत्ता बोल रहे हैं। सुन तो लीजिए, कुत्ता समझ गए आप, समझ जाएंगे। भाजपा के अनभक्तों को किसको बोलेंगे? अच्छा। वो भोंकना नहीं छोड़ते। अब अगर हम उनके हमारे सामने आएंगे तो जानते कि हाथी सूंड से पटक देगा, तो उनका काम क्या है? पीछे भोंकना। तो वहाँ आगे कुछ कुछ कर नहीं सकते हो, पीछे भोंकने से रह नहीं सकते। तो ये हैं कुत्ते, अंधभक्त, गोबर खा के जो गोबर खा। आप इसे सीरियसली ले रहे हैं या आपको लगता है ठीक है कुत्ते भौंक रहे हैं हाथी चलती रहेगी? मैं सीरियसली नहीं लेता। अच्छा। मुझे देखिए, मरना और जीना ऊपर वाले के हाथ में है, ये अंधभक्तों और भाजपाइयों के हाथ में नहीं है। सीधी बात है,
हम बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा हम इनके खाट खड़ी कर देंगे, ये हमें सिर्फ खत्म कर सक खत्म करके ही मेरी आवाज बंद कर सकते हैं। आप फर्जी योगी हैं। कौन आप? वसीम रिजवी। पठान की भगवा पर खून नहीं खौला आपको, बताइए क्या आप हैं? हमें खून, हमें तो सब पे खून खौला। कैसे? हरे राम हरे राम। अक्षय कुमार क्या भगवान नहीं पहने थे? वो मोदी जी को बोले कैसे खाते हैं क्या पीते हैं, तो अच्छे हो गए, वो अच्छे हो गए बेशर्म, बताइए। हम जब अपने ही धर्म के लोग अपने धर्म का सम्मान नहीं करेंगे और गैरों से उम्मीद रखेंगे, कैसी हैं? मटक मटक के आई थी जंतर मंतर में, खूब भारी सी सिस्टर हमारी। क्या नाम है उनका? नाम हमको नहीं पता। वो कह रही थी चमड़ी निकाल दो। एक एक्टर की चमड़ी निकालोगे आप? चौथे नंबर पे है एक्टर में वो, विश्व के चौथे नंबर पे है वो। क्या भगवा को अपमानित करने का लाइसेंस मिल जाएगा आपको? आप अमीर हैं तो ये बताइए, सांसद बनने के बाद भगवा पहनने का अपमानित करने का लाइसेंस मिल गया है? किसको? मनोज तिवारी जी को। वो 2014 के बाद करिए भाई, 2014 के बाद करिए आप। 14 के बाद ही भारत बदल गया है, ये 21वीं सदी का आधुनिक भारत है, समझिए योगी जी। बोलिए 14 पहले खाना पीना जी सीखे हो क्या? पत्ता पहन देते 14 पहले, बताइए। विकास तो बहुत हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मानते हैं कि नहीं विकास? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 14 से पहले ही आए हो, आदि मानव थे क्या? नहीं नहीं, विकास का पैमाना क्या कपड़े हैं सिर्फ? क्या विकास का पैमाना? रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर करिए। वंदे भारत ट्रेन भरजे भैया, वंदे भारत जो ट्रेन चली उसमें गाय टक्कर मारती, ट्रेन खुल गई, ट्रेन अच्छा खुल गई ट्रेन। दुखी लग रहे हैं आप मोदी जी से? कौन आप? मोदी जी खुद से हम नहीं दुखी है, पूरा हिंदुस्तान दुखी है जुमलेबाज से। 2014 में जीते, 2019 में जीते, 2024 में भी जीतेंगे। 2014 में क्या मुद्दे थे? बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार इन बेशर्मों की सरकार। किसकी मिमिक्री की आपने? मैं मोदी जी के ही मित्रों। ऐसे तो नहीं बोलते, मोदी जी मित्रों बोलते हैं। मैं क्या बोलते हैं मित्रों? सुन लीजिए मोदी जी की बात, सुनिए भाइयों बहनों मित्रों, 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा। बुलडोजर चल गया मकानों में, कहां मिला किसको बताइए? आपके चेहरे की हंसी साफ दिखा रही है कि आपको देश के गरीबों से मतलब नहीं है। इस मोदी सरकार ने आपको और आपके यहाँ पे इतनी फंडिंग कर दी कि आपके बच्चे खुश होंगे। गलत आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही है, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, राष्ट्रवाद हमारे अंदर। अगर जब से भाजपा आई है पत्रकारों पर ज्यादा शक रहता है, ये निष्पक्ष है कि नहीं है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सबसे मजबूत, न्यायपालिका से ज्यादा मजबूत, न्यायपालिका ज्यादा मजबूत, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा। न्यायपालिका ने कहा है बैंड करना पड़ेगा चाटुकारों, गुल्लू मीना वालों को। गुल्लू कौन है? गुल्लू हिंदू, मीना जो है मुसलमान। गुल्लू मीना के डिबेट कराते हैं लोग। अच्छा, मुद्दे की डिबेट नहीं होती। मीडिया में एक और गुल्लू है। कौन? कौन सा? मीडिया में देखिए बहुत गुल्लू है। हाँ, कौन कौन? आप देखिए जितने भी पंडे हिंदू इनके आरएसएस वाले पर राइट विंग के पत्रकार। लेकिन आप सिर्फ मीडिया पे हमला बोलते हैं, लेकिन एक भी आपके हिम्मत नहीं है कि किसी एंकर का नाम लेके हमला करें। सुरेश चौहान बड़ा पाव का नाम लिया तो जो जो और का हमको पता ही नहीं उनका नाम। सिर्फ वो तो एंकर ही नहीं है भाई। भाई हमें तो नाम भी पता नाम आप बताइए, हम उनके बारे में जानते हैं। तो ऐसे लोगों को एंकरिंग सिखा दूं? आप एंकरिंग मत सिखाइए। आप मोदी जी से जाके सवाल कर लीजिए। अगर आप एक कपड़ा, अच्छा आपको मोदी जी से अगर क्वेश्चन या प्रश्न करने का मौका मिले तो कौन से सवाल पूछेंगे? पहली बात तो सामने आएंगे नहीं, क्योंकि आज तक वो कैमरे के सामने। मौका मिले तो मान ली। मरे मौका देंगे नहीं वो लोग। अरे मिलेगा भाई, मैं दिलाऊंगा आपको। जो डरते हैं वो प्यार नहीं करते, जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं। पठान डरते हैं? पठान बहुत लोग जा रहे हैं देखने, डंका बज रहा है। अरे जब क्या अपील करेंगे उन लोग? गुजरात में पहला शो ही बजरंगदल वाले देख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पहले दिन का थिएटर गुजरात में यही लोग बुक करवा रहे हैं। ये कौन सी दोहरी मानसिकता है? अरे देखिए ये प्रमोट कर रहे हैं कि बायकॉट कर रहे हैं। तब तो हिट हो जाएगी फिल्म। हिट तो होनी है, हिट हो जाएगी। कहा तो जा रहा है कि KGF 2 को पछाड़ देगी। कौन? यही भैया, उसमें जब पहले दिन उसका वो ट्रेलर आया था तो YouTube भी कंफ्यूज हो गया था कितने व्यू हुए। अच्छा, आग अपने देश में 20 करोड़ मुसलमान थे, आज देखे कितने लोग मालूम है? 80 करोड़। तो आप लोग भी शामिल है ना, तो दिक्कत यही है। तो भगवा पहन के अगर पठान का समर्थन करेंगे तो ऐसे ही होगा। अंधभक्तों को नहीं कह सकते हो, 80 करोड़ में अंधभक्त नहीं आएंगे क्या? अंधभक्त हैं वो लोग। अंधभक्तों ने देखा है, प्रमोट किया है पिक्चर को, पैसा ले रहे हैं ये लोग। ओ तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं। बिल्कुल, शाहरुख खान की पिक्चर प्रमोट करवाई इन लोगों ने बोल बोल के। ये अंडरग्राउंड प्लेयर खेली गई है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, शाहरुख खान ये तो हंसी मजाक की बात थी, कोई इसमें, लेकिन शाहरुख खान ने जो मीर फाउंडेशन ने उस बच्ची को हेल्प की दिल्ली पीड़िता पे, हम उसका धन्यवाद देते हैं।
हम उसको धन्यवाद देते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है उनका। अरे यहाँ पर हमला हो जाएगा, शाहरुख की तारीफ करेंगे तो मतलब संभल संभल के बोलिए। मतलब देश में कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं है, मोदी सरकार चोर है, जितनी आप पुलिस है वो चोर। आप कह रहे हैं आपको धमकी मिल रही है इसलिए बोला मैंने। मुझे धमकी धमकी देने वाले हमने आपसे कहा कि मैं धमकी मिल रही है? आपने कहा ना भाई, तो हम जब आप पूछेंगे तो हम बताएंगे ही। हम ध्यान ही नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं ना। हमें हमको कट्टर हिंदू शेर ने धमकी दी थी एक बार, क्या बोला? दो तीन वीडियो चल रही है गूगल पे, काम कहीं यहाँ दिखोगे मार देंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई मार लेना। तो सिर्फ गिदड़ भभकी है? अरे इनके पास सामने आ जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे। अच्छा, सामने आए तो क्या मंत्र मारेंगे? नजरों से नजर मिला लें। रामचरितमानस पढ़िए कि नहीं आपने? रामचरितमानस पढ़ते हैं, वाल्मीकि वाली। वाल्मीकि वाली संस्कृत आती है आपको? हाँ। सुना दीजिए एक दुआ। किसका दुआ सुनेंगे आप, संस्कृत में? हाँ जी, संस्कृत का दुआ ना सुनिए, आप समझ नहीं पाएंगे अर्थ। अरे समझ लेंगे हम। नहीं समझ पाएंगे? अरे गूगल कर लेंगे भाई, गूगल गूगल 5G आ चुका है देश में, विकास हो रहा है देश में। हम तब हम ये पूरी संस्था सुनाएंगे आपको। हाँ। पूरा रामचरितमानस समझाएंगे, लेकिन उसके लिए भाजपा वालों का होना जरूरी है कि वो तुलसीदास को मानते हैं कि रामकलि वाल्मीकि को मानते हैं। चलिए मान लीजिए मैं भाजपा वाला हूँ, सुनाइए। अरे छोड़िए आप भाजपा वाले कब से? एक सुना दीजिए ना। अरे अब विवाद भी है इस पे, बहुत लोग कुछ बवाल हो रहा है भाई। तुलसीदास की रामायण को ही तो ला के रख दिया गया, वाल्मीकि रामायण तो बंद कर दी गई। बंद कर दी गई? बंद कहां है वाल्मीकि रामायण? किसने बंद किया? सब भाजपा वालों ने, मनुवादियों ने, मनुवादी ब्राह्मणवादियों ने। अच्छा, क्योंकि वो तो क्या कहेंगे उन लोगों को आप? देखिए जो देखिए मैं आपको संस्कृत में आप नहीं समझ पाए वो अलग है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ कहा गया है कि उसमें दलित से सोच वाला जो पिछड़ा है उससे नफरत करना नहीं सिखाया गया, लेकिन तुलसीदास वाले में कई दोहा ऐसे हैं जिसमें ये बातें खुल के सामने आई है। और वह किताब वो टाइम पे तुलसीदास जी ने बाबर के टाइम में लिखी है, उन्होंने मुसलमान आपको करेक्ट कर दे रहा हूं, बाबर नहीं अकबर के टाइम पे लिखी है। अकबर के टाइम पे उन्होंने मुसलमानों का विरोध नहीं किया। अरे तो ग्रंथ लिखे मुसलमानों का विरोध करें भाई, तो बड़ा पाव क्यों करता है फिर? बड़ा पाव क्यों करता है? बड़ा पाव अगर मुसलमान शोषण करता था उस वक्त तो तुलसीदास ने रामायण कैसे लिखी, वो प्रचलित कैसे हो गई? अरे वो असली हिंदू थे भाई। अच्छा, तो वो असली हिंदू थे, सनातनी थे, आप लोगों की तरह नहीं। अच्छा, तो भगवान लपेट लिया और कुछ भी बोल रहे हैं। और अकबर मुसलमान था। आप मुसलमानों पे आरोप लगाया जाता है कि वो काटता और मारता है, नहीं लगाया जाता? अकबर का विरोध तो पाकिस्तान में भी होता है। कौन? वो तो कहीं कहीं नहीं था। अकबर ने जजिया कर हटाया था, कर हटाया था। जजिया कर जानते क्या होता था बताइए? बताइए क्या जजिया कर? आप बताइए कि जो जहीं धार्मिक यात्रा करने जाओ तो उस पर टैक्स लगता था, उसने वो टैक्स भी हटा दिया था। लगाया किसने था? लगाया मैं मुगल ने टाइम पे ही लगा था। कौन लगाया था? औरंगजेब के टाइम पे लगा था, बाबा के टाइम पे लगा था। एक मिनट, औरंगजेब पहले आए या अकबर? पहले तो औरंगजेब था। मतलब औरंगजेब अकबर से पहले आए? हो सकता है। आप छात्र भी हैं एक, लेकिन आप यहाँ फेल हो गए। देखिए एक चीज मैं बता दूं, हमने मुसलमानों का इतिहास तो पढ़ा है नहीं, हमने तो अपना धर्म। फिर आपका चेहरा उजागर हो गया, आपने कहा मुसलमानों का इतिहास। पकड़े गए भाई योगी जी, पकड़े गए मुसलमानों, उजागर हुआ चेहरा आपका है। क्योंकि भाई हमें जब हम जब 1995 जब से हम पढ़े, तो बीजेपी कहती है कि मुगल कालीन हटाओ पूरा। मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, एक मिनट, 1556 से लेके 1857 तक मुगल कालीन हटाने से पहले, मुगल कालीन हटाने से पहले जो भाई सब धर्मों का अपना इतिहास होता है। हम जब 95 से पढ़े पैदा हुए और हमने तब से देखा है कि लगातार मुसलमानों को ये कहा जाता था कि ये आक्रांता है, इन्होंने रेप किया, इन्होंने मर्डर किया। ये बातें आरएसएस वालों ने, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आरएसएस की शाखा चलती है, ज्वाला देवी स्कूल आरएसएस वालों का है, प्रयागराज में आरएसएस वालों का है। आपने वही इतिहास पढ़ा? और वहीं पे मुझे पढ़ाया गया। लेकिन क्या पढ़ाया गया आपको? लेकिन एक तथ्य और भी है कि अडवाणी की पोती उसी आक्रांताओं के मतलब वंश से शादी करती हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी उन्हीं वंश से शादी करती हैं। तब मेरे दिमाग में एक सवाल नहीं आता कि क्या भाजपा के नेताओं को मुसलमान नहीं दिखता है, सहजवासन नहीं दिखते हैं? तब हम समझ गए ना हिंदू गलत था ना वंशज गलत थे। उस वक्त की परिस्थिति में सबको सत्ता स्थापित करनी थी, सबको राज करना था। जिसको जैसे राज करने का मौका मिला, उसने नाम को बढ़ाने का मौका मिला, उन्होंने अपने नाम को बढ़ा दिया। लेकिन एक बात है, आज की परिप्रेक्ष्य में देखिए, अब वो तो हो गई मुगल काल की बात, धर्म की बात, की बात की बात हो गई। आज की परिप्रेक्ष्य में क्या है, आज की परिवेश में क्या मुद्दे होने चाहिए? आप मुगल काल की तुलना मोदी काल से करेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए।
हम मोदी काल की तुलना मालूम रावण लाल से करते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, रावण भी इतना बदतर नहीं। केस दर्ज हो जाएगा, कर दे, तिहाड़ चले जाएंगे। रावण ने भी इतना दुराचार अपनी प्रजा के साथ नहीं किया, इतना नरेंद्र मोदी सरकार उनके गुआ और उनके खुले हुए गुंडे जो कि नफरत फैलाते हैं और हमें कटवाने और मरवाते हैं। आप कह रहे हैं देश में तानाशाही है? नहीं है, जिस तरह बोल रहे हैं आप लगती है। नरेंद्र मोदी का खुला इंटरव्यू कर लो, 14 बार पहले जो उनके वादे थे उनके खिलाफ बोल लो। अगर आप खुला इंटरव्यू कर लिए तो मैं पंडित विजय कुमार शर्मा खुद जेल भी जाऊंगा, अपने पर केस दर्ज करवाऊंगा, आपको दूंगा लोकतंत्र है। और नहीं कर पाए तो आपको बोलना पड़ेगा। ये कौन सा पैमाना हुआ कि इंटरव्यू कर लीजिए, साक्षात्कार हो जाए तो लोकतंत्र? अच्छा ये बताइए, मोदी जी कैमरे पर हमने क्यों नहीं आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करेंगे? बार बार आते हैं, यूरोपीय का लियाकत तमाम ले चुके हैं, आप ही पीछे रह गए। अक्षय कुमार तक ने इंटरव्यू लिया, मैं कह रहा हूं उदारवादी प्रधानमंत्री। सुधीर चौधरी कौन से है जो अभी एनडीटीवी के थे, उनके सामने आ जाए, अजीम रंजन के सामने आ जाए, क्यों भीगी भी। अरे ये सब दूसरे पक्ष के लोग हैं, दूसरे पक्ष के। अच्छा, प्रधानमंत्री कई एक पक्ष का होता है क्या? फंस गए ये लोग, कांग्रेसी हैं भाई, फंस गए। अरे ये लोग कांग्रेसी हैं, जिसका नाम फंस गए, फंस गए। जैसे गोदी मीडिया वैसे कांग्रेसी हैं, मतलब कोई फर्क नहीं। जितने भी कांग्रेसी हैं उनके प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है क्या? पत्रकार क्या कह रहे हैं, बिल्कुल लाइव स्टोरी आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री क्या भाजपा वालों के सिर्फ है कि देश के? आपके हैं कि नहीं? आपके जब क्या फंस गया? आप पानी पी पी के गाली देते हैं। संबित पात्रा मत बनो, बताइए ना कौन सी गाली दी मैंने प्रधानमंत्री किसके? कौन सी गाली दी आप? बार बार प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, तानाशाह बता रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को गाली नहीं देता, तानाशाह भी हमको बताया आपने। मैं प्रधान, माफी मांगिए आप। क्यों माफी मांगी? माफी मांगी, माफी आपको मांगनी, माफी मांगी, माफी आपको मांगनी पड़ेगी। मांगिए आप माफी, क्यों नहीं मांगेंगे? मांगिए पूरे देश से माफी। आप प्रधानमंत्री की तरफ से बोल रहे हैं तो माफी उनको मांगनी पड़ेगी। कोई नहीं है बीजेपी का, इसलिए मुझे बनना पड़ रहा है बीजेपी। करोड़ रोजगार के लिए माफी मांगनी पड़ेगी, 15 लाख रुपए के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। 2024 में पीएम कौन बनेगा? कौन बनेगा? भाजपा तो नहीं आएगी, टुकड़े ये आ गई तो आ गई, आ गई। बोलिए आखिरी क्वेश्चन, अगर भाजपा 2024 में आती है तो समझ देना कि संविधान को जला दिया गया है और देश गुलामी में आ गया है। तो योगी जी से जब बातचीत आप करेंगे तो वक्त का पता नहीं चलता है, यही खास बात है। और बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं, हम सोचते हैं कि एक मुद्दे पर बात होगी लेकिन मुद्दे बहुत सारे दूर तक चले जाते हैं। योगी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद बेबाकी के लिए। तो कैसी लगी ये बातचीत, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएँ। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।